खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो गैस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जूल कैसे बनाते हैं, फ्रिल कैसे बनाते हैं और पॉटले बटन कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल के लिए ये जो पट्टी है वो हमने डबल फोल्ड कर दी है और वहाँ पर हमने आयरन भी लगा दी है। तो इस तरीके से ये जो पट्टी है इसे फोल्ड कर देनी है और आयरन भी लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से देख लेंगे खोल के, तो ये जो है वो 1 इंच की पट्टी होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जितनी चौड़ियाँ में फ्रिल बनानी है उतनी चौड़ियाँ में ये सिलाई लगाएंगे। तो मान लो कि यहाँ से हमें 1 इंच की फ्रिल चाहिए तो वो हिसाब से, और आधे इंच की चाहिए तो यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये जो फ्रिल है वो ऐसे नहीं बननी चाहिए, ये दोनों जो पार्ट है वो एक जैसे ही अंदर इस तरीके से बनेंगे तभी जो फ्रिल है वो एकदम बढ़िया बनेगी। तो वो हमें खास ध्यान रखना है। अगर एक तरफ को हम इस तरीके से हम बनाएंगे तो फ्रिल है वो राउंड हो जाएगी और लुक चला जाएगा। तो वो हिसाब से ये जो फ्रिल है वो हमें इस तरीके से बनानी है कि ये जो फ्रिल है उसमें दोनों तरफ सेम कपड़ा ही अंदर हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम जो प्लीट लेंगे वो प्लीट में दोनों ही तरफ हमें सेम कपड़ा रखना है। अगर कम ज़्यादा हो गया तो ये जो फ्रिल है वो राउंड हो जाएगी। तो फ्रिल हमें राउंड नहीं करनी है और इस तरीके से फ्रिल है वो स्ट्रेट लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से दोनों तरफ सेम ही कपड़ा यहाँ पर अंदर की तरफ हमें रखना है। और अब यहाँ पर ये जो जितने भी हमें फ्रिल की ज़रूरत है उतने फ्रिल हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से वन बाय वन ये जो है वो जूल हम फ्रिल बनाएंगे। और ये फ्रिल बनाने के बाद ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा है वो ज़्यादा हमें अंदर नहीं रखना है, अगर ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो ये जो भाग है बहुत मोटा हो जाएगा और अंदर की तरफ फोल्ड करने में भी दिक्कत आएगी। तो वो हिसाब से यहाँ पर ये जो फ्रिल है वो बनकर रेडी है। तो फ्रिल हम इस तरीके से बनाते हैं। और अगर हमें सूट या ब्लाउज है, अगर स्लीव में हमें लगानी है तो कैसे हम लगाएंगे और गले में लगानी है तो कैसे लगाएंगे, तो ये जो स्लीव में है वो इस तरीके से हम लगा देंगे। तो एकदम परफेक्टली इसका जो लुक है वो फ्रिल एकदम बढ़िया होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से लगाकर एक पट्टी ऊपर की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर तो ये जो फ्रिल है वो कवर भी हो जाएगी। अगर कवर हमें करनी है तो इस तरीके से कवर भी होती है और सिंपल ही लगानी है तो ये जो पट्टी है उसे फोल्ड करके ऐसे ही लगा सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कैसे फ्रिल को हमें अटैच करनी है। तो ये जो फ्रिल है वो एक जैसी पूरी की पूरी फ्रिल हमने बनाई है। तो जितने भी फ्रिल की ज़रूरत है उतने फ्रिल हम इस ये जैसे कपड़े में बनाएंगे। और उसके बाद हम जो जूल बनाएंगे, जूल हमें कितनी चौड़ी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि हमें जूल कितनी चौड़ी चाहिए। जितनी भी चौड़ी चाहिए उससे यहाँ पर 1.5 इंच प्लस ही हम रखेंगे, हल्का फोल्ड होगा और थोड़ा सा दबाव में जाएगा। तो वो हिसाब से 1.5 या 2 इंच हम जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद जूल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ये जो कपड़ा है वो हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये जो जूल है उसमें हमें पतला फोल्ड चाहिए, इसलिए यहाँ से सिंगल में हमने फोल्ड किया और उसके बाद और एक बार फोल्ड कर देंगे ताकि वो डबल फोल्ड हो जाए और एकदम परफेक्टली पक्का हो जाए।
यहाँ तक जो स्लीव में है वो प्लेन हिस्सा होता है अंदर की तरफ। तो उसे हम प्लेन ही रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से बारीक बारीक प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये जो प्लेट है वो हमें इस तरीके से लगानी है। अगर बारीक चाहिए तो बारीक भी लगा सकते हो, और बड़ी चाहिए 1 इंच जितनी तो वो भी आप लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी आप जो है वो लगा सकते हो। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, गैदरिंग भी अगर आप करना चाहो तो गैदरिंग भी कर सकते हो। तो गैदरिंग के लिए वीडियो अलग से हम बनाएंगे कि गैदरिंग कैसे करते हैं वो। यहाँ पर हम प्लेट के लिए ये जो जूल है वो देखेंगे। तो इस तरीके से प्लेट जो है वो हम बनाते हैं, और जूल जो है वो इस तरीके से बनती है। इसमें बारीक का प्लेट होती है, इससे भी अगर बारीक आप लगा सकते हो तो इससे भी बारीक लगा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो जूल है वो अच्छी लगेगी। और यहाँ पर ये जो स्लीव के लिए होता है तो प्लेन होता है वो हिसाब से। तो ये जो जूल है वो बन के एकदम रेडी है। तो आप इस तरीके से जूल बना सकते हो और इसे स्लीव में अटैच भी कर सकते हो, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर इतना जो भाग होता है वो एक्स्ट्रा होता है, 2 इंच जितना दबाव में जाएगा वो। तो उस हिसाब से हम प्लेन रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये जो पट्टी है वो हमने पहले से फोल्ड कर दी है, और वो पट्टी इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे और एक सिलाई जो तार की लगाएंगे। तो ये जो जूल है वो एकदम परफेक्टली लग जाएगी। और एक हम इस तरीके से भी जूल लगा सकते हो, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमने पहले फोल्ड किया है वो फोल्ड नहीं करना है, और यहाँ पर इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये हिसाब से भी आप ये जो जूल है वो बना सकते हो। यहाँ पर उसका सिलाई नहीं दिखेगी। तो ये झूल बनकर एकदम रेडी है। ये जो है वो हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अटैच कर सकते हो। इस ये जो है वो घेर में भी आप अटैच कर सकते हो, और साथ में स्लीव में भी इसी तरीके से अटैच कर सकते हो। अब हम पोटली बटन बनाएंगे। तो पोटली बटन के लिए थर्मोकोल ले लिए हैं। ये जो थर्मोकोल है वो छोटे बड़े होते हैं, तो हमें कौन सी साइज़ के बटन चाहिए वो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी साइज़ के बटन चाहिए। जो साइज़ के बटन चाहिए वो साइज़ के थर्मोकोल लेंगे, और ये जो तागा है वो मैचिंग लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये स्क्वायर कटिंग करेंगे, और ये स्क्वायर कटिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये जो थर्मोकोल है वो रख देंगे, और यहाँ पर इस तरीके से आसानी से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और ये जो धागा है वो हम मैचिंग लेंगे और यहाँ से इसे लपेट देंगे। तो ये जो पोटली बटन है वो बन के एकदम रेडी हो जाएगा। तो एक पोटली बटन जो है वो ये बनकर रेडी है। इसी तरीके से सारे के सारे पोटली बटन जितने भी हमें ज़रूरत है उतने हम बना लेंगे। तो ये जो दूसरा पोटली बटन है वो ये जो साइज़ है वो हम देखेंगे। ये जो पोटली बटन होता है स्पंज वाले वो थोड़े नरम होते हैं, और यहाँ पर ये जो पोटली बटन है वो हम इस तरीके से लगाएंगे और इसमें भी धागा लपेट देंगे। धागा इस तरीके से लपेटना है कि ये जो पोटली वाला भाग है जहाँ से हमने थर्मोकोल लगाया वो एकदम टाइट रहे। अगर वो भाग ढीला हो गया तब पोटली बटन का सही से लुक नहीं आएगा, और ये जो एक्स्ट्रा होता है वो हम कट कर देंगे। तो ये जो पोटली बटन है वो दूसरा भी बनकर एकदम रेडी है। तो यहाँ पर ये एक छोटी साइज है और एक बड़ी साइज है।
तो अलग अलग साइज़ के आप जो जो भी हिसाब से आपको चाहिए वो हिसाब से आप बना सकते हैं। और उसके बाद थर्मोकॉल की ज़रूरत अगर नहीं है, या तो हमारे पास थर्मोकॉल नहीं है, तो हम इस तरीके से कपड़े के भी बना सकते हैं। तो कपड़े के बनाने के लिए यहाँ पर ये जो कपड़ा है वो हमने ले लिया है, और बारीक बारीक कटिंग करने के बाद यहाँ से इस तरीके से इसे शेप के लिए राउंड करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे कि पोटली बटन जो है उसका लुक कैसे आता है। तो ये इसमें कम है, वो हिसाब से लुक नहीं आया, तो इसमें थोड़ा सा और कपड़ा ऐड कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो ये जो पोटली बटन है वो आपको परफेक्टली देखिएगा कि कैसा इसका शेप बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर ज़्यादा लगे तो यहाँ से हम इसे निकाल भी सकते हैं, और कम लगे तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो कपड़े के पोटली बटन होते हैं उसमें ये जो भाग है वो थोड़ा सा हार्ड होता है अंदर की तरफ का, क्योंकि ये जो स्पंज वाले होते हैं वो थर्मोकोल के होते हैं, तो एक दो बार वॉश करने के बाद वो जो है थर्मोकोल के वो सही से नहीं रहते, और ये जो कपड़े वाले पोटली बटन है वो एकदम परफेक्टली अगर हम इसमें वॉश भी करेंगे या तो कुछ भी यहाँ पर दब भी जाएगा तब भी वो एकदम फ्लैट नहीं होंगे, और थर्मोकोल के है उसके ऊपर कोई वजन आया तो वो सारे के सारे पोटली बटन फ्लैट हो जाएंगे। तो ये जो पोटली बटन है तीनों अलग अलग तरीके से हमने बनाए हैं। अब हम इसमें कैसे अटैच कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, बाकी इसमें हमें लगाने नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर गला रेडी है तो इसमें यहाँ पर एक पोटली बटन इस तरीके से लगाएंगे, और उसके बाद इसमें सिंगल बूटन में लगानी पड़ेगी पोटली बटन लगाने के लिए, यहाँ पर सिलाई आएगी तो वो हिसाब से। तो उसमें हम सिंगल बूट लगाएंगे और उसके बाद इस तरीके से पोटली बटन जो है वो फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इसका लुक है वो है पोटली बटन का, एकदम सिर्फ पोटली ही दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा अगर यहाँ पर सिंगल बूट से सिलाई लगा के पोटली लगाई तो। ये सारे के सारे पोटली बटन जो है वो बनकर एकदम रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।